नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या। नशा नहीं रक्तदान कीजिए, युवाओं को इस संदेश के साथ सामाजिक संस्था निफा, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के 90वें शहीदी दिवस पर 23 मार्च को पूरे देश में 1,00,000 से ज्यादा यूनिट रक्त जुटाएगी। आपको बता दें कि विगत अक्टूबर माह में करनाल से शुरू किए गए इस अभियान की गज अब पूरे देश और विदेश में पहुंच चुकी है और देश को स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के इस प्रयास का जिम्मा उठाने के लिए करनाल की भरपूर प्रशंसा भी की जा रही है। करनाल की सामाजिक संस्थाओं के मिलकर काम करने और राष्ट्र व समाज हित में उनके आपसी व प्रशासन के साथ तालमेल की भी चर्चा है। देश के 36 में से 29 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में व्यक्तिगत रूप से बैठकें कर वापस लौटे निफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू ने एक प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी देते हुए बताया कि आज पूरा देश ही नहीं विदेशों में रह रहे अप्रवासी भारतीय भी इस अभियान से जुड़ चुके हैं और सभी की सक्रिय भागीदारी से ये अभियान अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। बता दें कि पूरा वर्ष बर्फ से ढके रहने वाले लाहौल स्पीति में पहली बार रक्तदान शिविर आयोजित होगा। पश्चिम बंगाल में केवल महिला रक्तदाताओं के लिए शिविर लगाया जाएगा, जबकि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किन्नर समाज के लोग रक्तदान शिविर आयोजित कर इस क्षेत्र में एक नई शुरुआत करेंगे। ब्रह्म कुमारी के मेडिकल विंग, राष्ट्रीय रक्त संचरण परिषद, इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हाइमेटोलॉजी और अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से चलने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान में एक ही दिन 1500 रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें 1,00,000 से ज्यादा रक्त इकट्ठा कर कोरोना काल में रक्त की कमी को दूर करने में एक बड़ा हिस्सा डाला जाएगा। अभियान के केंद्र करनाल में सबसे बड़ा 2,500 यूनिट का रक्तदान रहेगा, जिसमें मुख्य शिविर गोल्डन मोमेंट करनाल में रहेगा और अन्य 5 शिविर असंध, घरोंडा, नीलोखेड़ी, तरावड़ी व इंद्री में रहेंगे। निफा अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू ने कहा कि भारत में हर वर्ष आवश्यकता से 2,000,000 यूनिट रक्त कम इकट्ठा होता है। कोरोना संकट में ये कमी इससे बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि जहां सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के भय, शैक्षणिक संस्थाओं के बंद रहने के कारण रक्तदान कम हो रहा है। वहीं इस दौरान JCI की जोनल निदेशक निधि गर्ग ने कहा कि उनकी जोन की सभी 42 शाखाएं इस अभियान का हिस्सा बनेंगी। वहीं महासचिव प्रवेश गाबा ने बताया कि इस अभियान के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर व मोबाइल ऐप भी लॉन्च की जाएगी, जिसमें देश भर के रक्तदाताओं का डेटा होगा व किसी को भी देश के किसी भी हिस्से में रक्त की आवश्यकता होने पर उसकी जरूरत उस शहर के उस रक्त ग्रुप के दानियों के माध्यम से पूरी हो जाएगी। साथ ही निफा अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू ने बताया कि पूरे देश में आयोजित होने जा रहे 1500 रक्तदान शिविरों की सफलता का दारमोदार करनाल के दानी सज्जनों के कंधे पर है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च है, जिसकी पूर्ति केवल दान से धन इकट्ठा करके की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान में दान देकर कोई भी व्यक्ति एक अथवा अधिक रक्तदान शिविरों को प्रायोजित कर सकता है व हर ऐसे दानी सज्जन को विशेष सम्मान दिए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय लाइफ सेवर अवार्ड व प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे, जिन पर इस अभियान से जुड़ी चुनिंदा हस्तियों व शहीद परिवारों के असल अथवा डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। साथ ही इस अभियान में आर्थिक सहयोग करने वालों को गिनीज बुक कार्यालय से सहयोगी के रूप में आधिकारिक प्रमाण पत्र मिलने का सुअवसर भी प्रदान किया जा रहा है। सर, बिस्मिल जी की 4 लाइनें मुझे याद आती हैं जो उन्होंने शहीदों के बारे में कही थी। शहीदों का वो एक समझ सकते हैं जज्बात था इस देश के लिए कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर, वक्ते रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर कि आंख से टपके जो कभी आंसू गोद में बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना जी के बहलाने को। तो इस प्रकार के वो शहीद थे जो जिनकी आंख से आंसू भी अगर बहता था उनके परिवार का, तो वो कहते थे इसे जी बहलाने का साधन मान लो, हम तो इस देश के लिए जो है कुर्बान होने के लिए आए हैं। तो वो शहीद जिनकी कुर्बानियों की वजह से, जिनके सेक्रीफाइसेस की वजह से हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, हम अपने बच्चों को अपनी मर्जी से पढ़ा पा रहे हैं, अपनी मर्जी के हम काम कर पा रहे हैं, आज़ाद देश में हम सांस ले रहे हैं, उन शहीदों के प्रति हमारा कोई कर्तव्य है। और निफा, अन्य सामाजिक संस्थाएं सभी इन शहीदों को नमन करती आई हैं, अलग अलग कार्यक्रम करती आई हैं। इस बार एक बड़ा आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है, उसको नाम दिया गया है संवेदना। इस अभियान के तहत 23 मार्च 2021 को जो 90वां शहादत दिवस है शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव का, उस दिन पूरे देश में एक साथ 1500 रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, शायद 1500 से ज़्यादा ही हो जाएं।
90,000 यूनिट का टारगेट रखा गया था कि उनके 90वें शहादत दिवस पर हम लोग 90,000 यूनिट रक्त इकट्ठा करेंगे, क्योंकि कोरोना काल है और इस समय रक्त की काफ़ी कमी देश के कई ब्लड बैंकों में चल रही है। लेकिन मुझे ये खुशी है कि शहीदों के प्रति लोगों के अंदर इतना, स्पेशली युवा वर्ग के अंदर इतना ज़्यादा जो है सम्मान है, उत्साह है, और संस्थाएँ इतने बड़े रूप में पूरे देश में जुड़ी हैं कि इस साल मैं समझता हूँ कि 1500 से ज़्यादा रक्तदान शिविर होने जा रहे हैं, 1.5 लाख के आसपास जो है रक्त यूनिट उस दिन इकट्ठा होने जा रहे हैं। करनाल में सभी संस्थाएं मिलकर ये काम कर रही हैं, सभी ने मिलकर बीड़ा उठाया है, और इसी गोल्डन मोमेंट के अंदर जो है उस दिन लगभग 1000 यूनिट का रक्तदान शिविर होगा। जो करनाल के 5 ब्लॉक हैं उनमें 300 यूनिट का रक्तदान शिविर होगा। पूरा देश जुड़ रहा है, और आपको सुनकर हैरानी होगी, कुछ चीज़ें पहली बार होने जा रही हैं। लाहौल स्पीति में आज तक कभी ब्लड डोनेशन कैंप नहीं हुआ, इतनी हाइट पर पहली बार वहां पर रक्तदान शिविर लगने जा रहा है। वही इसी संवेदना है, मैं इसे निफा का कैंपेन नहीं मानता। देखिए, पूरे देश में जहां भी हो रहा है, हम किसी संस्था को नहीं कह रहे कि आप निफा का बैनर लगाओ, क्योंकि हमारे लिए नाम बड़ा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप अपना बैनर लगाइए, अपना लोगो लगाइए, संवेदना कैंपेन का जो नाम दिया गया है वो साझा रखिए। तो संवेदना कैंपेन के तहत लाहौल स्पीति में, हालांकि चलो ये आपने पूछ लिया तो मैं बता दूं, वहाँ निफा की ब्रांच है, निफा हिमाचल की तरफ से हो रहा है, लेकिन फिर भी नाम की हमें नहीं है। तो लाहौल स्पीति में पहली बार होने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में एक ऐसा कैंप लगने जा रहा है जहाँ सारी डोनर महिलाएं होंगी, वो कह रहे हैं 250 से ज़्यादा करेंगे यूनिट, तो 250 से ज़्यादा यूनिट का उनका टारगेट है, केवल महिला डोनर होने जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में किन्नर समाज आगे आ रहा है, उन्होंने कहा है पूरा कैंप किन्नर समाज की तरफ से होगा, 200 से ज़्यादा किन्नर जो है इसके अंदर ब्लड डोनेट करेंगे। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी जागरूकता जो है वो देश के अंदर आ रही है। 65 करोड़ युवाओं का देश है, 1 करोड़ 40 लाख रक्त हमें चाहिए होता है, वो पूरा नहीं होता, 1 करोड़ 20 लाख पे हम लोग रुक जाते हैं, तो ये जो 20 लाख की कमी हर साल रहती है, पर कोरोना के कारण जो ज़्यादा कमी इस बार की है ये पूरी हो, इस प्रकार का प्रयास जो है इस अभियान से किया जा रहा है। आप एक महिला हैं, ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।